एक बार रमन जब अपने ऑफिस से आ रहा होता है। अरे पल पल ना माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इस जग का मंजन चखूंगा पिया। गड्डी चांदी अच्छा लगा मार दी। तभी घर पहुंचने से पहले ही उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। वो फिर बस का इंतजार करने लगता है। तभी उसे एक बस आती दिखाई देती है और वो खुश हो जाता है। रमन बस में चढ़ जाता है और टिकट नहीं लेता। बस में भीड़ होती है तो रमन सोचता है, मैं आज टिकट नहीं लूंगा क्योंकि बस में भीड़ बहुत है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। किसी तरह जब कंडक्टर टिकट के लिए पीछे जाता तो रमन आगे आ जाता और कंडक्टर के आगे आने पर रमन पीछे चला जाता। इस तरह वो टिकट ना लेकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद रमन कुछ अजीब सा महसूस करता है, जैसे उससे कोई डरा रहा हो। उसे डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं। कुछ देर बाद बस एक स्टैंड पर रुकती है। तब रमन उस बस के ड्राइवर से पूछता है, मुझे इस बस में डरावनी सी आवाजें क्यों आ रही थीं? ऐसा क्या है इस बस में? ड्राइवर उसे बस कंडक्टर की कहानी बताता है। इस बस में एक बार एक कंडक्टर को मार दिया गया था। किसने और क्यों मारा उसे? ये उन दिनों की बात है जब उस दिन हमारी बस हिमालय की तरफ जा रही थी। रात बहुत हो गई थी, सर्दियां भी बहुत थी। उस टाइम तो कोहरे से धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो हम दोनों उस दिन बस को धीरे धीरे चला के ले जा रहे थे। तभी चार आदमी आतंकवादी इस बस में चढ़े। लाओ आप अपनी टिकट के पैसे दो। कंडक्टर ने जब टिकट के पैसे मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया और इस बात पर कंडक्टर की उनसे लड़ाई हो गई। सब बहुत गुस्से में थे। जाओ उतरो हमारी बस से, हम आप लोगों को इस बस में नहीं बैठाएंगे। क्यों नहीं बैठाओगे? हम इसी बस में बैठ कर जाएंगे। तुझे जो करना है कर ले। क्या करोगे तुम मेरा? मुझे मारोगे क्या? ए, ज्यादा बकवास ना कर, वरना ये चाकू देखा है, एक बार में आर या पार। चुपचाप जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। हमसे मत उलझ। चल चल ये धौंस किसी और को दिखाइयो। अभी के अभी उतरो यहाँ से वरना पुलिस को बुला देंगे। अभी तुम गुंडे हो गए अपने घर के, यहाँ डराने की जरूरत नहीं है। गर्मा गर्मी में बहस छिड़ जाती है और नौबत हाथापाई तक पहुँच जाती है। बस रोको, ये आतंकवादी बस में घुस आए हैं और बिना टिकट लिए ही बैठना चाह रहे हैं। अगर बस रुकी तो तुम सब के सब मारे जाओगे। ये बस सब हमारे अंडर है, बस नहीं रुकनी चाहिए। ये सब देख के बाकी की सवारियां परेशान हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा दिखने लगता है। ड्राइवर सोच में पड़ जाता है कि बस रोकेगी नहीं, क्योंकि टिकट के पैसों से ज्यादा जरूरी सवारियों की जान थी। मारपीट में गुस्से में आतंकवादियों ने उस कंडक्टर को चाकू से मार दिया। तब से वो अब भूत बन गया। और तब से उसकी आत्मा इस बस में रहती है। और उन आतंकवादियों का इंतजार करती है। ये सब सुन के रमन सदमे में आ जाता है और पूछता है,
क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ हाँ, यही सच है। लेकिन ये आत्मा मुझे क्यों डरा रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया इसके साथ। तुमने भी शायद टिकट नहीं ली होगी, तभी वो आपको परेशान कर रहा होगा। मैंने भी टिकट नहीं ली। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। हाय राम, आज तो बच गए। कुछ दिनों बाद जब वो भूतिया बस वहाँ से निकलकर जाती है, तभी वो चार बदमाश लड़के उस बस में चढ़ते हैं। पारदेसी, जाना नहीं, हमें छोड़ के। और बस में बड़ा ही शोर शराबा करते हैं, हंसते हैं और सबको परेशान भी करते हैं। लो भाई, आप चारों भी टिकट लो और उनके पैसे दो। कहते हैं पैसे चाहिए। भाइयों, इस कंडक्टर को देखो तो सही, बड़ा आया टिकट देने वाला। टिकट तो लेनी ही पड़ेगी। कंडक्टर और उन लड़कों में कुछ देर तक बहस होती है और वो भूतिया कंडक्टर सब सुन और देख रहा होता है। आज मेरे शिकारी मेरे हाथ से मारे जाएंगे। और उस भूतिया कंडक्टर की आत्मा उस कंडक्टर के अंदर घुस जाती है। उसकी आंखें एकदम लाल लाल, मुंह बड़ा भयंकर और बड़े बड़े दांत और नाखून होते हैं। चेहरा बहुत ही डरावना हो जाता है और वो अपने भूतिया रूप में आ जाता है। ए, ये सब हम क्या देख रहे हैं? ये क्या है? ये तो कोई भूत है। ये तो हमें मार ही डालेगा। नहीं, हमें कोई बचाओ, इस भूत से कोई तो बचाओ। याद करो वो दिन जब तुम सब ने मुझे इसी बस में बारी बारी से चाकू से मारा था। क्या कसूर था मेरा? मैं तो इसकी तरह ही टिकट के पैसे मांग रहा था तुम सब से, लेकिन तुम सब ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अब तुम सब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? भागो, कहाँ भागोगे? नहीं, जाने दो मैं छोड़ो। बस चलती रहती है और भूत उन बदमाशों का पीछा नहीं छोड़ता, उनको बहुत मारता है। नहीं नहीं, अब हमें छोड़ दो, हम अब से किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें मत मारो। नहीं, आज तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मार कर ही तो मुझे इस आत्मा से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह अंधेरा हो जाता है, जोर जोर से बारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, लेकिन बस नहीं रुकती। वो अपनी रफ्तार में चलती रहती है। कुछ देर और चलने के बाद बस एक पहाड़ी पर जाके रुकती है और सुनसान पहाड़ी, भयानक आवाजें और साए साए हवा चलने लगती है। घना अंधेरा छा जाता है। और उस भूतिया कंडक्टर की आत्मा उस बस कंडक्टर के शरीर को आजाद कर देती है और वो बस कंडक्टर भी बहुत खुश होता है और वो बस भी भूतिया कंडक्टर की आत्मा से मुक्त हो जाती है और सभी बहुत खुश होते हैं।